ये देखें कितना खूबसूरत मोर यहाँ पे आया हुआ है। ये वाइट कलर का मोर है, ये चेक करें। और इसके ऊपर को ये बनी हुई है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। ये काफ़ी दिनों के बाद दोबारा नज़र आया, मैंने कहा वीडियो बना लेते हैं और इसको काबू करने की कोशिश करते हैं। अगर ये पकड़ा जाता है तो इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये अभी छत के ऊपर बैठा हुआ, ये चेक करें। तो अभी ट्राई करेंगे इसको पकड़ लें, अगर ये काबू में आता है तो इसको पकड़ के तो अपने केज में इसको रखते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत के साथ होंगे जी। तो रात को बहुत तूफ़ानी बारिश हुई है, तो अभी मैं ऊपर आया हूँ। मैंने कहा चलें देख कर आते हैं क्या मामला तो है। रात को आपको मैंने बादल दिखाए थे और अभी यहाँ पे आया हूँ। ये चेक करें, चूहे यहाँ पे सारे छोड़े हुए हैं और ये बारिश की वजह से मैं सुबह निकाल के गया था छीटे। और ये देखें, इन्होंने वहाँ से दाने खाने शुरू कर दिए हैं। बारिश से फुल भर गया था ये सारे केजेस जो इसके अंदर ये शीट्स लगाई हुई थी। ये चेक करें, अभी बिल्कुल खाली हैं, मैंने निकाल दी हैं क्योंकि पानी से भर गई थी। ये सिर्फ कबूतरों वाली रह गई हैं क्योंकि उन्होंने अंडे दिए हुए हैं। अभी आज इनके अंडे भी चेक कर लेते हैं। और ये कबूतर जितने भी अंडे दे रहे हैं, आप लोगों को पता है अभी तक कोई भी इनसे बच्चा नहीं निकला। उन्होंने अंडे कोई 15 से 20 दिए होंगे, एक में से भी बच्चा नहीं निकला। और अभी जो अंडे मुझे लगता है वो भी ख़राब कर दिए हैं, तो मुझे लगता है ये अंडे सही दे नहीं रहे, इसलिए इनका जोड़ा जोड़ा अलग करना पड़ना है। और ये हमारे पास एक लकड़ी का बॉक्स पड़ा हुआ है खाली, और इसमें डाल देते हैं अलग अलग करके, एक को उसी के अंदर रहने देते हैं और ये जो वाइट लगते हैं इनको निकाल के इसके अंदर डाल देते हैं। तो पहले हम ये वाला खोल देते हैं, तो मैं थोड़ी देर तक आऊँगा तो ये कोई ना कोई बाहर आ जाएगा दोनों में से। अगर ब्लैक आ गया तो ब्लैक को उसमें डाल देंगे जोड़ा बना के, अगर दूसरा वाइट लग के आ गए तो उनको पकड़ के तो इसके अंदर डाल देंगे। तो अभी देखते हैं, इसको खुला छोड़ देते हैं, उसके बाद ये सारी सफाई करने वाली है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखिए अंदर से सारा गंदा हुआ पड़ा है और ये सारे की सफाई करने वाली है और ये भी करनी है। तो अभी नमाज़ हो चुकी है, लेकिन मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ, उसके बाद ये सारी सफाई भी कर देते हैं। ये देखिए चिंच का अंदर, उसके अंदर पानी चला गया रात को, तो ये स्मेल भी आ रही है, उन्होंने एक अंडा भी फेंका हुआ। ये चेक कर लेते हैं, ये चेक करो, ये ख़राब अंडा, ये ख़राब है, मेरे ख्याल से ये तीन ही ख़राब है। ये कबूतरी ऐसी ऊपर बैठी हुई है। मैं ये मोर के चक्कर में हूँ, ये इधर को आए तो इसको पकड़े, ये उधर ही अभी भी बैठा हुआ है, तो मैं इसको छेड़ नहीं रहा, कहीं उड़ी ना जाए। तो अभी देखते हैं ये क्या करता है। अगर ये नीचे उतरा इधर इस साइड पे मेरा केज है, तो मैं इसको पकड़ने की कोशिश करूँगा। ये अभी ऊपर ही बैठा हुआ है, तो इसको जूम करके देखते हैं। ये देखिए ये उस साइड को जा रहा है, ये देखें अभी मैंने जूम किया हुआ है, तो काफ़ी खूबसूरत मोर है, ऊपर से ब्लैक एंड वाइट है। सबको ले आओ, इधर ले आओ, वो तीन वो देखो छोटे चूजे, सबको लेके आओ। उधर से ले क्या ले आओ, ले आओ, ले आओ, सबको अंदर ले जाओ। ये रह गए इधर, इधर से ला मुझे दे छोटी। खोल दरवाजा, उसको भी लेके आओ। तो फाइनली ये सबको दाने छाने डाल दिए, ये देखिए यहाँ पे खाना सबको डाल दिए। ये देखें कल रात को सारा गीला हो गया था, अभी इनको ये ताज़ा डाला है सबको। ये देखें, और ये पानी भी डाल दिया है, ये ग्रे पैरट ने मुझे लगता है अंडे दोबारा दिए हैं। अभी देखते हैं खोल के कि ये इसमें तोती बाहर नहीं निकली। ये देखें तोती इसके अंदर बैठी हुई है, तो मुझे लगता है इसने दोबारा अंडे दिए हैं। अभी इसको बंद कर देते हैं। ये इसको अभी बंद कर देते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन ने भी मुझे लगता है अंडे शंडे दिए हैं, तो इसको अभी सुबह देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी गंद पड़ा है, रात को बारिश आई है। ये देखिए इधर से सारा, मैंने ऊपर से छत का सिस्टम हो गया था, आज भी काफ़ी ज़्यादा बादल है, ये चेक करें। तो ये दोबारा यहाँ से गीला हो गया था, लाओ पानी डाल दें इनको।
तो जैसे मैंने आपको बताया कि शीट सारी बाहर निकाल दी हुई है, लेकिन वो काफ़ी गंदी हो गई थी। ये कबूतरों की अभी इधर ही पड़ी हुई है, इसको मैं सुबह निकालूंगा और इसको धूप में रख देंगे, क्योंकि अभी ये कबूतरी ऊपर बैठी हुई है। उसने अंडे दिए हैं लेकिन वो खराब अंडों के ऊपर ही बैठी हुई है। तो जैसे कि ये अंडा खराब पड़ा हुआ है, तो सुबह इसको भी बाहर फेंक देंगे, उसको उनको भी चेक करेंगे, ठीक हुए तो ठीक है, नहीं तो उनको भी बाहर फेंक देंगे। और बाकी ये देखिए, अभी मैंने दाना शाना डाला है, ये चेक करें स्ट्रेलियन कैसे आराम से खा रहे हैं, इनको लगता है काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई है। और आज एक बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पे मोर आया हुआ है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर वो हमारे काबू में आता है तो उसको पकड़ लेते हैं और अपनी केज में रखेंगे, फिर जिसका हुआ तो उसको वापस कर देंगे। फिलहाल वो अभी छत के ऊपर है, मैं आपको दिखाता हूँ, तो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। और ये देखें, ये अभी बड़े हो रहे हैं, कैसे शोर कर रहे हैं। ये इनका दूसरा ये केज लगाया था, ये देखकर तो इन्होंने अभी ब्रीडिंग शुरू नहीं की। जैसे ब्रीडिंग शुरू करेंगे आपके साथ वो भी मैं शेयर करूँगा। तो ये सुबह बारिश है, ये सारा मुझे गीला हो गया, इसलिए मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, इधर घूमते रहेंगे। तो आज की वीडियो इधर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ।